नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपने रूफटॉप पर जो मैंने टिन शेड बनाया था इसी लॉकडाउन के दौरान, उसकी प्रोग्रेस दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एंट्रेंस है, ये मेरा, देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिखा दूँ आपको मैं। ये मेरा टिन शेड मैंने जो डलवाया था वो है, और इसमें जो स्टार्टिंग है इसकी, जो इसका एंट्रेंस है, वहाँ पर मैंने टायर में पर्चुला का लगाया है जो काफ़ी अच्छा ब्लूम कर रहा है। इधर देखिए दोनों तरफ मैंने टायर में पर्चुला का लगाया है, और इधर एक मेरी किचन की एक वेस्ट, ये जो रैक थी यूज़ नहीं हो रही थी तो मैं उसको यहाँ ले आई और मैंने इसमें प्लांट्स लगाने शुरू किए। और अभी अभी मैंने देखिए बेबी सनरोज लगाया है, ये हैंगिंग प्लांटर में डेवलप हो जाएगा तब मैं इसको ऊपर टांगूंगी। और एक ही सक्यूलेंट है देखिए। और यहाँ अंदर जाते हैं अब, तो इसी गेट पर ही जो मेरा टायर है इसी में मैंने एक रेड कलर का रोज़ भी लगाया है, ये देखिए इसी बीच लगाया है और ये ब्लूम करने लगा है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा टावर टाइप का मैंने इसमें ये वर्टिकल गार्डन बनाया है, इसमें रैक लगवाए हैं मैंने। तो इसमें देखिए मैंने एडेनियम के पौधे रखे हैं दो, इधर इसमें एक फूल आया हुआ है, इधर एडेनियम में काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। दो एडेनियम यहाँ पर है, एक एडेनियम मैंने यहाँ नीचे रखा है, इसमें भी फ्लावरिंग होने वाली है अब। और ये एडेनियम मेरा थोड़ा सा इन्फेक्ट हो गया था तो मैंने इसमें ट्रीटमेंट करके इसको अब फिर से रिप्लांट किया है, रिपॉट किया है। इधर देखिए पर्पल हार्ट कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है। और इधर मैंने टिकोमा लगाई थी, कटिंग देखिए ये चल पड़ी है इसकी। मैं यहाँ पर ऊपर जो मेरी ये बेल जिसमें मैंने यहाँ पर अपराजिता की बेल चढ़ा रखी है, इसी के साइड से मैं एक टिकोमा की बेल भी लगाऊंगी, तो जब फ्लावरिंग करेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। इधर देखिए कोलियस की दो वेराइटीज़ यहाँ हैं, और एक कोलियस की दो तीन वेराइटीज़ यहाँ हैं मेरी इसमें लगाई है मैंने। मैंने ये नोटिस किया कि अगर कोलियस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ को एक ही पॉट में लगा दो तो काफ़ी सुंदर दिखती हैं, बहुत सारे शेड्स एक साथ आते हैं। तो ये देखिए फाइकस की मैंने बोनसाई तैयार की है, और उसी के साथ ये ड्वार्फ वैरायटी का सेंसिवेरिया भी लगा दिया है। ये देखिए पर्पल हार्ट थोड़ा शेड में थोड़ा डल पड़ा है, जो सेमी शेड होता है हल्की धूप पड़ती है वहाँ पर इसका कलर काफ़ी ब्राइट आता है। ये छोटे छोटे पॉट्स में मैंने ये पौधे कुछ लगाए हैं और काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ये पौधा देखिए, इसका मुझे अभी नाम नहीं पता, और लेकिन मैं इसे नैनीताल जाते समय रास्ते में जंगल से ले आई थी, काफ़ी हो रहे थे ये, मुझे अच्छे दिखे तो मैं इसमें ले आई, दो तीन पौधे लाई, सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ बीच में देखिए मैंने एक बोनसाई नीम की रखी है, एक क्रोटन सदाबहार, क्रोटन की एक डिफरेंट वैरायटी है, अच्छी लगती है मुझे बहुत, इसके पत्ते काफ़ी पतले हैं। फिर ये देखिए एक कैलेडियम मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, मैंने कैलेडियम के काफ़ी पौधे बनाए हैं। इधर देखिए मनी प्लांट भी मेरा फेवरेट है, और ये टर्टल वाइन, ये देखिए इस समय हवा चल रही है और पौधे झूम रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए एक कोलियस यहाँ पर है, हैंगिंग प्लांटर में मैंने लगाया हुआ है, और ये वॉन्डरिंग जू, ये तो धूप में बड़ा अच्छा कलर पर्पल कलर में हो जाता है, और छाँव में रहेगा तो ग्रीनिश में रहता है। देखिए ये छाँव में है तो ग्रीन हो रहा है, पर यहाँ पर ये धूप में पर्पल कलर ले रहा है। इधर देखिए एक ये मिंट की वैरायटी है, ये खाने वाला मिंट नहीं है लेकिन ये मिंट वैरायटी का ही पौधा है, बहुत खूबसूरत लगा मुझे तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से एक टुकड़ा इसका ले आई और इससे लग गया है। ये सेंसिवेरिया देखिए बहुत छोटे पॉट में भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये फ्रूटी की बॉटल है, काट करके मैंने इसमें लगा दिया है और इसमें भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये वेरीगेटेड वाला पौधा है सेफलेरिया का। इधर देखिए ये यहाँ पर थोड़ी धूप आती है तो मैंने यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट लगा दिया है, साल्विया, बहुत अच्छे फूल देता है ये। इसी के बीज से बहुत पौधे हो जाते हैं मेरे पास, इसके बहुत पौधे हैं, 25-30 पौधे नीचे लगे हुए हैं मेरे इसके, क्योंकि ये बीज से खुद ही उग जाता है और मैं मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे कहीं ना कहीं प्लांट कर देती हूँ, चाहे मैं इसमें प्लास्टिक के जो थैलियाँ होती हैं उन्हीं में पॉट कर दूँ, लेकिन पॉट कर देती हूँ तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाता है।
एक कोलियस की वैरायटी मैंने अभी अभी लगाई है, ये थोड़ा सा शेड में फ़र्क है। वैसे ये वैरायटी मेरे पास थी तो, लेकिन ये शेड का थोड़ा सा चेंज था, मैं ले आई इसे भी। और मैं ख़रीद कर नहीं लाई हूँ, अपने फ्रेंड्स लोगों के यहाँ से जहाँ मुझे मिल जाता है वहाँ से एक टुकड़ा ले आती हूँ, लगा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने गुलाब की कटिंग लगाई है, चल पड़ी है। और ये पान का पौधा एक मैंने ऊपर भी लगा दिया है रूफ टॉप पे। ये देखिए पीले रंग का गुलाब है ये। और ये टावर में मैंने वर्चुला का लगाया है। देखिए ये एक छोटी वैरायटी का एक्जोरा मैंने लगाया है, ये अभी लग गया है, देखिए फूल भी देने लगा है। अभी कटिंग लगाई थी मैंने इसी बरसात में। इधर देखिए ये तुलसी है, चाय में इस्तेमाल करती हूँ मैं, पूजा वाली तुलसी अलग है। एक यहाँ पर मैंने पपीते का पौधा लगाया है, इसी में जो ग्रो बैग है, देखते हैं इसमें पपीता आता है या नहीं। फूल आ रहा है लेकिन पपीता नहीं लग रहा, झड़ जा रहा है, लेकिन शो प्लांट अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको निकाल नहीं दिया। ये देखिए इधर मैंने ये ब्लीडिंग हार्ट लगाया और ये फ्लावरिंग करने लगा है। टिकोमा का एक पौधा मैंने ये लगाया था, इसकी कटिंग ये लग पड़ी है, चल पड़ी है ये। तो इस तरह से मेरा ये गार्डन है देखिए। और ये गुलाब भी मैंने इसी सीज़न में लगाया है और ये फ्लावरिंग करने लगा है। एक और ये गुलाब है, बहुत सारे गुलाब की कटिंग लगाई है मैंने, लगभग सभी चल पड़ी हैं, किसी दो में तो फ्लावरिंग भी हो गई है। तो इस तरह से ये देखिए मेरा ये गुड़हल भी कटिंग से लगा हुआ है। मदर प्लांट मेरे पास बड़ा वाला था, इसी से मैंने कटिंग लगाई, ये दो कटिंग मेरी आराम से लग गई है। ये देखिए छोटी वाली वैरायटी की मिर्च है, ये डिफरेंट वैरायटी है, काफ़ी तेज़ होती है, काले रंग की हो जाती है फिर लाल हो जाती है बाद में, तो फूल सी लगती है, मुझे अच्छी लगी मैंने लगा ली इसको ये भी। तो इस तरह से देखिए, अब मैं पूरा दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे ही अब इसका ओवरव्यू तेज़ी से दिखा दूंगी। ये देखिए ये तड़के में डालने वाला जो एक है, हमारे यहाँ दुन कहते हैं इसको पहाड़ी में, तो ये इसके बीज आने लगे हैं, इसके बीज तैयार हो गए हैं। इधर तुरई की बेल में तुरई हो रही है और करेले के बेल में मेरे करेले लगे हुए हैं, छोटे छोटे करेले लग रहे हैं ये देखिए। ये इधर मेरी जो गिलोय की बेल है वो फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से ये ऊपर चढ़ के यहाँ पहुँच गई है। अब देखिए ये मेरे भिंडी वगैरह हो रही हैं यहाँ पर। और ये मदर प्लांट है मेरे, उसका जो गुड़हल है जिससे मैंने कटिंग्स लगाई हैं, काफ़ी बड़ा डबल फ्लावर है, इस समय कम फूल है लेकिन बहुत फूल देता है। तो ये देखिए भिंडी हो रही हैं। इसी तरह से ये मेरा पूरा गार्डन है देखिए। अब कभी फिर ये जो चारों ओर का गार्डन है इसका डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगी, यहाँ अपराजिता दिखा दूँ आपको मैं। अपराजिता काफ़ी फूल दे रहा है इस समय, ये देखिए अपराजिता काफ़ी अच्छा ब्लूम कर रहा है। और ये एक्जोरा भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग पर है। और एक कॉस्मोस तो काफ़ी अब फूल देने के बाद अब मुझे इनसे जी भर गया है, तो मैं उस समय में इनको निकाल ही दूँगी क्योंकि काफ़ी झाड़ कर दे रहा है। इधर देखिए गुलाब, और ये नया लावेंडा जो मैंने लगाया था उसमें भी फ्लावरिंग हो गई है। ये देखिए कनेर मैंने एक नया लगाया है, ये इसकी कटिंग चल गई है। और ये लेमन ग्रास मैंने कई जगह लगा दिया क्योंकि मैं चाय में इसका इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ यहीं मैंने इसी में मैंने यहाँ पर देखिए अजवाइन प्लांट भी लगा दिया है एक दो जगह, यहाँ भी अजवाइन, और ये सब ग्रो होने शुरू हो गए हैं। इधर मैं इंसुलिन का प्लांट है मेरा देखिए, ये मैं इधर हर्बल गार्डन बना रही हूँ जिसमें मैंने अजवाइन लगाया है, एलोवेरा लगाया है, ये इंसुलिन का पौधा लगाया है, हल्दी, और ये मिंट, और ये यहाँ पर तुलसी है, और ये अनार का पौधा है, और इसी के साथ में मेरा यहाँ पर ये पत्थर चट्टा ये भी है। तो इसको मैं हर्बल गार्डन का नाम दे रही हूँ, जिस पोर्शन में मैं सभी हर्बल प्लांट्स लगा रही हूँ, फ्लावरिंग प्लांट इसमें नहीं लगाऊंगी। और ये लेमन ग्रास, यहाँ भी मैंने लेमन ग्रास लगाई है। तो ये मेरा जो पोर्शन है ये हर्बल गार्डन कहलाएगा। तो इस तरह से मेरा गार्डन है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ये देखिए लिली से मैं अपने वीडियो का समापन करती हूँ, धन्यवाद।